अगर आपका हेयर फॉल बहुत हो रहा है, आपके बाल बहुत झड़ रहे हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा कि आपके यहाँ से गंजापन क्यों आ रहा है, आपको क्या करना चाहिए अपने बालों के लिए जिससे कि आपके बाल फिर से ठीक हो जाएं, उसके अलावा लंबे बाल जिसका हम सबको शौक होता है वो भी आप अटेन कर पाओगे। इस तरह के कुछ आजकल मिल रहे हैं मार्केट में, ये सब आपको नहीं लेने की जरूरत। आपको मैं बताऊंगी एक फुल प्रूवन रेमेडी जो कि आपके बालों के लिए बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको देगी। अगर आप रेमेडी में 1% का भी विश्वास ही नहीं रखते तो फिर आप इस वीडियो को बीच में छोड़ के जा सकते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को गारंटी दे सकती हूँ कि कुछ ही हफ्तों में, कुछ ही वीक्स में आप लोगों को अपने बालों में या हेयर फॉल तो फॉर श्योर आपका कंट्रोल हो जाएगा और उसके साथ साथ न्यू ग्रोथ भी आएगी। मेरे पास आप लोगों में से बहुत सारे लोगों के ईमेल्स भी आ रहे हैं, DMs भी आ रहे हैं कि मैंने ये रेमेडी लगाई और मेरा हेयर फॉल पूरी तरह से कंट्रोल हो गया। तो ऐसी कमेंट्स आप करते रहते हैं तो हमारा भी दिल खुश हो जाता है, हमें लगता है कि चलो ऐसी वीडियोस हम आप लोगों के लिए और बनाते रहें। तो मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ वही रेमेडी जो कि बहुत सारे लोग के लिए बहुत अच्छे इम्प्रूवमेंट दे पा रही है, ठीक है। सबसे पहला इन्ग्रीडियंट जो हमें चाहिए वो है हमारा आंवला, यानी कि इंडियन गूसबेरी। आयुर्वेदा में ये लिखा जा चुका है कि आंवला हमारे बालों के लिए सब कुछ कर सकता है, हेयर फॉल को रोक सकता है, बालों में नई ग्रोथ लेके आ सकता है, बालों में अगर डेंसिटी कम है उसको इम्प्रूव कर सकता है, और उसके साथ साथ अगर बीच से हमारे बाल टूटते हैं तो उसके लिए भी आंवला बहुत अच्छा होता है। तो एक चीज़ हमें क्या रखनी है, हमारा आंवला, दो आंवला, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आपको सिर्फ और सिर्फ कच्चा आंवला लेना है। अगर आप वो जो सूखा आंवला लेते हो तो आपको उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिल पाएगा जितना अच्छा रिजल्ट आप लोगों को कच्चा आंवला देगा। तो कच्चा आंवला ही लेना है आपको, तभी आपको ज्यादा अच्छी इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी। दूसरा इंग्रेडिएंट जो यहाँ पे आपको चाहिए वो है हमारा करी लीव्स। करी लीव्स जो है वो इतना ज्यादा उसमें क्वालिटीज है ना, अगर आपने इसे कुछ वीक्स तक भी लगा लिया तो आपका हेयर लॉस भी कंट्रोल होगा, आपकी न्यू ग्रोथ भी आएगी, आपका जितना भी बालों में डैमेज है वो तक रिवर्स हो जाएगा अगर आप इन दोनों को लगा लेते हैं अपने बालों में। फ्रिज जो है वो भी नहीं आएगा, क्योंकि मैं जिस मेथड से आपको बताऊंगी ना फ्रिज भी नहीं आएगा। आपको क्या करना है, सबसे पहले आप लोगों को लेने हैं दो आंवला, सिर्फ कच्चा आंवला आपको लेना होगा। इनको अच्छे से आप काट लीजिए। इनको काटने के बाद यहाँ पे आप लोगे कम से कम 20 करी लीव्स के पत्ते, इनको अच्छे से धो लीजिए। इनको धोने के बाद आप लोगों को क्या करना होगा, इसको बहुत अच्छे से आप पीस लीजिए। जैसे आप पीसना चाहें वैसे आप पीस सकते हैं, मैंने अपना इस तरह से पीस के बना लिया था। और उसके बाद आप किसी भी तेल में, जिस तेल के साथ आप ओके हो, जिस भी ऑयल के साथ आपको सही लगता है, वो ऑयल आप लेंगे और उसमें इसको पिसा हुआ डाल देंगे। दो दिन तक आप उसे सनलाइट में रखेंगे। अब सनलाइट में रखने से क्या होता है, जितनी भी अच्छी क्वालिटीज होती हैं वो तेल में अच्छे से इम्बाइब हो जाती हैं और ऑयल सारी की सारी गुणवत्ता जब उसमें चली जाती है तब जब आप अपने बालों को उसे लगाते हो तो आपको इतना अच्छा इम्प्रूवमेंट अपने बालों में देखने को मिलता है कि आप खुद हैरान परेशान मतलब सब कुछ हो जाते हो जब आप इस तरह के तेल अपने बालों पे लगाते हो। और सबसे अच्छी बात बताऊं, ये एक ऐसा तेल है जो कि हर टाइप को सूट करता है। बालों की टाइप पे जहां पे बात आती है तो बाल होते हैं लो पोरोसिटी, मीडियम पोरोसिटी, हाई पोरोसिटी। ये थोड़ा सा टेक्निकल है तो इसमें अभी ना बढ़ते हुए मैं आप लोगों को एक और ऑप्शन दूंगी, यानी कि ऑप्शन नंबर 2, उन लोगों के लिए जिन लोगों को ब्रेकेज बहुत हो रहा है। अगर आपके बालों में ब्रेकेज बहुत ज्यादा है तो इसका सबसे पहला और एक बेसिक रीजन ये है कि आपके बालों में मॉइस्चर ही नहीं है। अगर आपको हेयर ब्रेकेज हो रहा है तो आपके बाल लॉन्ग हो ही नहीं सकते, बाल बीच से टूटते रहेंगे, कैसे लंबे होंगे बाल। तो इसलिए आप लोगों को ये भी समझना होगा, अगर आप लंबे बाल चाहते हो तो उस केस में आपको कोशिश करनी चाहिए कि आपके बालों में पहली चीज फ्रिज नहीं आना चाहिए, क्योंकि जितना फ्रिज आएगा उतने उलझेंगे और जितने उलझेंगे उतने टूटेंगे। आपको कोशिश करनी है कि कम उलझें और कम टूटे। तो इसके लिए आपको ध्यान रखना होगा कि आप अपने बालों के फ्रिज को पहले कंट्रोल करें, फ्रिजी हेयर को पहले फिक्स करें, ठीक करें, और उसके बाद आप अपने हेयर फॉल में भी कंट्रोल देख पाएंगे। आपका जो पूरा बाल उलझ के इधर उधर टूट जाते हैं, इधर उधर आपको गिरे हुए बाल मिलते हैं, वो भी नहीं होगा आपके साथ। तो पहली प्रायोरिटी, आप हमेशा पूछते हैं कि रेमेडी को किस ऑर्डर में करना चाहिए, तो पहले आपको अपने फ्रिजी बाल, फ्रिज को डेफिनेटली कंट्रोल करना चाहिए। अगर आप फ्रिज को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं ना, कोई भी रेमेडी आप पे काम करेगी नहीं। उलझेंगे कम तो टूटेंगे कम। तो इसलिए मैंने आप लोगों के लिए एक सीरम भी बनाया। अब आप लोग पूछते हैं कौन सा सीरम लगाऊं, कुछ मेरे को सजेशन दे दो। मैं आप लोगों को हमेशा ये कहूंगी कि अगर आप केमिकल वाले सीरम लगा लेते हो ना, बहुत सारे लोग हैं जिनके बालों में उससे डैमेज होने लगता है, ठीक है। स्पीड ज़्यादा हो गई तो नीचे मुझे कमेंट करके बता देना, लेकिन ये समझाना बहुत ज़रूरी था। इस वाले सीरम को बनाने के लिए सबसे पहले हमें जो पहला इंग्रेडिएंट चाहिए वो है हमारा एलोवेरा। एलोवेरा इज़ वन थिंग जिसमें इतने सारे एक्टिव एंजाइम्स हैं जो कि हर किसी के लिए सूटेबल है, चाहे आपके मीडियम पोरोसिटी है, हाई पोरोसिटी है, लो पोरोसिटी है,
आंख बंद करके आप एलोवेरा लगा सकते हो, क्योंकि एलोवेरा में वो मॉइस्चर होता है जो कि आपके बालों के स्ट्रैंड्स को बहुत अच्छे से इम्प्रूव कर देता है। ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, प्लांट वाला एलोवेरा आप लेंगे। प्लांट वाला लेते हैं तो तभी आपके बालों में ज़्यादा अच्छा इफेक्ट और रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो प्लांट का मैंने दो लिए हैं एलोवेरा, और इनके अंदर का पल्प मैंने अच्छे से निकाल दिया। पल्प अगर आपका बहुत सारा होता है तो आप इसे एक बार ब्लेंड भी कीजिए, क्योंकि ब्लेंड करना इज़ वेरी ज़रूरी। अगर आप ब्लेंड कर लेंगे तो क्या होगा, आपको एक इस तरह का पल्प मिल जाएगा जो कि फंसेगा नहीं बीच में। ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप प्लांट बेस्ड एलोवेरा ना लगा के मार्केट वाला ही लगा सकते हैं तो कोई बात नहीं, आप मार्केट वाला भी ले सकते हैं। तो मार्केट वाले का क्या रेशो है मैं बताऊंगी, लेकिन प्लांट वाले में आपको क्या करना है, पहले अच्छे से आप इसे छान लीजिए, और छानने के बाद आप लोगों को यहाँ पे जो भी बन के आया है वो सिर्फ एक चम्मच के बन के आया है। यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, थोड़ा सा अपना आमंड ऑयल डालना है, बहुत कम, यानी कि एक चम्मच का आमंड ऑयल डालना है। मतलब जितना एलोवेरा उतना ही आपने आमंड ऑयल डाला, इनको मिला लिया। ये मैंने सिर्फ और सिर्फ एक बारी का बनाया है, आप ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप बना सकते हैं। आपको इसको लेना है और अपने गीले बालों पर लगाना है, यानी कि थोड़े सूखे थोड़े गीले, बिल्कुल रूखे सूखे भी ना हो, क्योंकि वो एब्जॉर्ब नहीं करेंगे, चाहे आपके बालों की पोरोसिटी कोई भी है, इट हैज़ टू बी थोड़े गीले थोड़े सूखे। ठीक है, थोड़ा सा आपने लिया और अपने स्टैंड पे ऐसे ही लगा लिया, आपके बाल डेफिनेटली आपके बाल जो हैं बहुत अच्छे से मॉइस्चर को महसूस कर पाएंगे और आपके बाल बीच से नहीं टूटेंगे। दिस इज़ माई प्रॉमिस टू यू। अगर आप ब्रेकेज से डील कर रहे हैं तो ये कॉम्बिनेशन आप लगा के देखना, जिस दिन भी आपने अपने बालों पर ऑयलिंग की है। ठीक है, कोई लोग बोलते हैं हॉट ऑयल ट्रीटमेंट करना है मुझे, हॉट ऑयल ट्रीटमेंट करना है उन लोगों को जिनकी पोरोसिटी अलग है, उस बारे में मैं कभी और बात करूंगी, क्योंकि शायद ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन अगर आपके बाल कोई भी टाइप के हैं, कोई भी टाइप के, आपको सिर्फ और सिर्फ हेयर फॉल हो रहा है, बीच से ब्रेकेज हो रहा है, सिर्फ ये दो हैं आपके इशू, तो उस केस में आपको हॉट ऑयल ट्रीटमेंट ज़रूरी नहीं है कि वही कराना है, आप सादा ऑयल भी ले सकते हैं। ठीक है, तो सादा ऑयल आपने लिया था, दो दिन तक आपने रखा था, अंदर का जो भी मिक्सचर था आप उसे निकाल लीजिए, और उसके बाद इस वाले तेल से आप अपने बालों पे बहुत अच्छे से लगा सकते हैं। आप इसे अपने बालों पे लगा के चाहे तो रात भर भी रख सकते हैं, जो आपको सही लगता है वो आप कर सकते हैं। और उसके बाद जब नेक्स्ट डे आप अपने बालों को धोते हैं, उसके बाद आप अपने हल्के गीले हल्के सूखे बालों पे ये वाला सीरम भी लगाएंगे। तो ये दोनों के दोनों चीज़ें जब आप साथ में करते हैं, देन यू कैन सी ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ इम्प्रूवमेंट अपनी हेयर हेल्थ में। इसको बनाने के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट या जो मेन अच्छा इंग्रेडिएंट हमने यूज़ किया है, दैट इज़ अवोकाडो ऑयल। अवोकाडो जो होता है एक फ्रूट होता है ग्रीन कलर का, वो बहुत ज़्यादा इजीली अवेलेबल नहीं होता, बट उसके ऑयल्स जो हैं वो मार्केट में मिल जाते हैं, गुड क्वालिटी के प्योर फॉर्म में भी मिलते हैं आपको। आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हो कि आपको कौन से ब्रांड का यूज़ करना है। इसका जो सब्सटीट्यूट जो मैं आपको सजेस्ट कर सकती हूँ वो है ऑलिव ऑयल। सबसे पहले आपको चाहिए 3 teaspoons ऑफ एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल बहुत अच्छे से आपके बालों को हेल्प करती है बहुत सारी चीज़ों में। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या किया है, हमने यहाँ पे 3 teaspoons का एलोवेरा जेल डाल दिया, और इसमें मैं ऐड करूँगी अपना अवोकाडो ऑयल। अवोकाडो ऑयल नहीं है तो आपको ऑलिव ऑयल यूज़ करना है, उतनी ही क्वांटिटी में आप डाल लेना। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे डाला है 1 teaspoon। अब हम इन दोनों को बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे तो आपका एक प्रॉपर क्रीम जैसा टेक्सचर वो ले लेता है, जैसे कि आप यहाँ पे भी देख सकते हो। ये देखो, इस तरह से आपका जेल या क्रीम तरह का बन जाएगा। ये देखो, आप इसे एज अ मॉइस्चराइजर भी यूज कर सकते हो, इतना ज्यादा हाइड्रेटिंग है ये, सिर्फ बालों के लिए नहीं स्किन के लिए भी। सी दिस, हो गया ना एब्जॉर्ब, ऐसे ही आपके बालों में भी बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब होगा। सो इसीलिए तो यहाँ पे आपने क्या करना है, आपने इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है, जैसे कि ऑयल और आपका जो एलोवेरा जेल है वो बिल्कुल भी सेपरेट ना रहे, एक ही साथ मिक्स हो जाए। अब हम इसमें डालेंगे अपना 3rd ingredient जो कि है रोज़ वाटर। सो मैंने यहाँ पे जो रोज़ वाटर लिया है वो लिया है 1 teaspoon का। आप रोज़ वाटर कोई भी ले सकते हो, जो आपको अपने लिए पसंद है वो आप यूज़ कर सकते हो। अब मैंने इन सभी को किया मिक्स मिक्स एंड मिक्स, और इसमें अब कुछ भी नहीं डालना, आपका जो भी DIY लीवॉन सीरम है ये बन चुका है। इसको आप किसी भी कंटेनर में स्टोर करके रख सकते हो, या तो कोई प्लास्टिक वाला भी चलेगा, ग्लास वाला है तो वो भी चलेगा, कुछ भी आप किसी भी तरह के कंटेनर में इसे स्टोर करके रख सकते हो। सो इसको लगाने का जो बेस्ट टाइम है वो ये है कि जब आप शैम्पू करके आते हो, उसके बाद हल्का सा आपको वेट करना है 15 से 20 मिनट, जब वो सूखने लगे, बहुत ज़्यादा गीला गीला ना हो, आपके बाल हल्के हल्के सूख गए हो और हल्का मॉइस्चर उनमें हो, उस टाइम पे लगाते हो तो और भी अच्छे से एब्जॉर्ब होता है। बट अगला क्वेश्चन आपका आ जाता है कि क्या मुझे सिर्फ उस दिन लगाना है जिस दिन मुझे शैम्पू करना है? नहीं, आप बाकी डेज में भी लगा सकते हो। आपको बस एक चीज़ करनी होगी कि अपने बालों को हल्का सा गीला कर लेना होगा। सो कोई भी स्प्रे बॉटल लो और हल्का सा पानी जो है पहले स्प्रिंकल कर लो। अच्छा,
अब हेयर पोरोसिटी के बारे में अगर मैंने आप लोगों से बात की ना तो ये वीडियो बहुत ही लंबा होता चला जाएगा, तो मैं अपनी अगली वीडियो में उस बारे में आप लोगों से बात करूंगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं हेयर पोरोसिटी के बारे में बात करूं तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं, अगर आप नहीं चाहते तो मत करना कमेंट। अब मैं इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करती हूँ, मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।